सत श्री अकाल जी, मैं स्वत सक्सेना स्पीड न्यूज विच आप सब का स्वागत करती हूं। किसान खेतीबाड़ी कानूनों वापस कराने डटे हुए ने, इस विचारे संघर्ष नु होर तीखा करने लिए किसान जथेबंदी अज भुख हड़ताल से बैठ रही ने। किसान जथेबंदियां अज हरेक धरने वाली थां ते भुख हड़ताल से बैठ रही ने। इस तो पहला भी बीती 14 दिसंबर नु किसानों नु भुख हड़ताल की गई सी। खेती मंत्रालय ने किसानों नाल गलबात करने लिए किसान जथेबंदियों नूं प्रस्ताव भेजिया। चिट्ठी में सरकार ने किसान आगुआं तों मीटिंग की तारीख बारे सुझाव भी मंगे ने। चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों दीआं चिंतावां बारे विचार वटांदरे लई तैयार है। मोदी सरकार किसानों के प्रदर्शन नूं वेखदिआं जल्द तिन्ने खेती कानून रद्द करो तां जो किसान अपने घरां नूं जाण। इन्हां विचार प्रगटावा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा दे प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहा ने दिल्ली दे टिकरी बॉर्डर ते पत्रकारां नाल गलबात दौरान कीते ने। खेती कानूनों खिलाफ दिल्ली हरियाणा सरहद से लगातार 25 दिनों तो किसानों दल पुरोस प्रदर्शन जारी है। देश के वक् हिस्सों तो लोग किसानों के समर्थन में उत्थे इकट्ठे हो रहे हैं। इस दरमियान बिहार के सिवान जिले तो एक 60 साल का सत्यादेव मांझी नाँ का बजुर्ग किसान झंडे के मौसम में टिकरी सरहद से पहुंचे। उत्थे भी 11 दिनों तक साइकिल चला के उक्त किसान ने करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय किया। केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ दिल्ली बॉर्डर से चल रहे किसान ही संघर्ष में पहुंचे सुचा सिंह छोटेपुर ने केंद्र सरकार को चेतावनी जारी की। छोटेपुर ने कहा कि जेकर पहला ही मोदी सरकार किसानों की गल सुन लेंदे तो यह नौबत ना आती। दिल्ली विखे चल रहे किसान संघर्ष के हक में विदेशों में लगातार रोस धरने हो रहे हैं। ग्लासगो के गुरुद्वारा एल्बर्ट ड्राई विखे स्थानक नौजवानों वालों विशेष एकत्रता करके किसान संघर्ष के हक में हां का नारा मारा गया। गुरुद्वारा साहिब प्रबंधकी कमेटी के प्रधान लभाया सिंह महमी ने संबोधित करदे भारत सरकार को अपील की कि जिद किसी का मसले का हल नहीं होंगी है। सरकार को चाहिए है कि वह किसान जथेबंदियों संवाद रचा के बदते जा रहे पाड़े को मिटाने की कोशिश करे। कैनेडा के सूबे अल्बर्टा के शहर कैलगरी तो विधायक जेसन कैनी सरकार में मंत्री बीबी राजन सानी ने किसानों के हक में नितरदियां सोशल मीडिया से अपने विचार साझे किए, जिस विच उन्होंने भारत के किसान संघर्ष की हिमायत की है। उड़ीसा के संबलपुर डिवीजन में एक हाथी को टक्कर मारने के बाद पूरी सुरत एक्सप्रेस रेलगड्डी पटरी से उतर गई है। यह हादसा हाथीबाड़ी और मुनेश्वर रेलवे स्टेशन विचकार वापर है। जानकारी साझी करते हुए उन्होंने कहा कि हादसे के बाद रेल के इंजन के 6 पहिए पटरी से उतर गए हैं। सारे यात्री और लोग को पायलट बिल्कुल सुरक्षित ने। भारत पाकिस्तान सरहद से पाकिस्तानी ड्रोनों के आने का सिलसिला लगातार ही जारी है, जिस तहत मुड़ चुकरी पोस्ट नेड़े रात बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन से फायरिंग करके उस वापस मुड़न मजबूर किया। जम्मू कश्मीर में आज सवेरे 8:33 से भूचाल के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल से भूचाल की तीव्रता 3.7 मापी गई है। इस दौरान किसी भी जानी माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस आंसर में दबा गया। धन्यवाद।